रानी जी, आपने भोजपुरी में सेलिब्रिटी मैनेजमेंट की जो कंपनी शुरुआत की है, ये भोजपुरी में पहली बार हो रही है, उस बारे में कुछ बताइए सर। किस तरह से ये आइडिया आपके दिमाग में आया? देखिए, हमारा इस एजेंसी को भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर लाने का जो दिमाग में आया कि हम बॉलीवुड के अंदर काफ़ी साल से हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर हम निरवा जी, दिनेश लाल यादव एंड अम्रपाली दुबे, इन दोनों के हम मैनेजर है और इतने साल से हैं, तो हमने सोचा कि इस इंडस्ट्री के अंदर एजेंसी मैनेजमेंट कंपनी नहीं है और बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर होती है हमेशा, तो हमने सोचा कि इस तरह की एक एजेंसी होनी चाहिए। चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री अभी बड़े मुकाम पर अभी पहुंच रही है धीरे धीरे करके, तो हमने सोचा कि नहीं, एजेंसी लॉन्च किया जाए और अभी जी आर्टिस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि हर कंपनी, चाहे वो प्रोडक्ट लॉन्च हो, चाहे वो TVC हो, फिल्म हो, OTT हो, चाहे फॉरेन कंट्री में हो, ताकि हर किसी को भोजपुरी कलाकार की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो ढूंढते हैं कि भाई ये कलाकार कहाँ मिलेंगे, हॉलीवुड में और बॉलीवुड में तो सर्च करके एजेंसी का पता होता है, यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी कलाकार को ढूंढना हो, मिलना हो, तो कुछ पता नहीं होता कि कौन कहाँ मिल सकता है। अब इस एजेंसी का हमारे लॉन्च करने का यही था कि एक ही जगह पर आपको सारे कलाकार एक ही जगह पर आपको मिल सकते हैं। दर्शकों को सर ये बताएंगे कि कौन कौन से कलाकार अवेलेबल है, उपलब्ध है? एजेंसी का माध्यम ये होता है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं, दिनेश लाल यादव, निरवा जी हुए, खेसारी लाल यादव जी हुए, पवन सिंह जी हुए, चिंटू जी, प्रदीप पांडे जी हुए, कल्लू जी हुए, अक्षरा सिंह हुई, काजल राघवानी जी हुए, अम्रपाली दुबे जी हुए, काफ़ी कलाकार जो है भोजपुरी के टॉप मोस्ट कलाकार हैं, बाकी भी जो सिंगर भी हैं, तो इन सभी कलाकार को हम अरेंज करके किसी ना किसी रिक्वायरमेंट को हम पूरी कर सकते हैं। किस तरह की मांग आती है सर आपके पास, भोजपुरी जो कलाकार हैं वो किस तरह की मांग आती है कि इनकी ये ज़रूरत है? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री आज इस टॉप पर चली गई है ना कि आज रिक्वायरमेंट हर जगह से आने लग गई है। उत्तर प्रदेश से हर दिन एक ना एक फ़ोन आता है कि सर हमें इस प्रोग्राम के लिए चाहिए, आज इस शोरूम का ओपनिंग चाहिए, आज एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, तो आज डेली करें तो रिक्वायरमेंट डेली अब बढ़ रही है। और ये कोरोना से 2 साल हो गया, अब जाके एक मार्केट खुला हुआ है तो और काम अब आने लगा है, तो हमने कहा कि एक ही जगह पे एक ही कंपनी में सारा काम आ जाए। सर जब बात मांग की कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो किस प्रकार जुड़ सकते हैं? आपकी वेबसाइट का नाम बताइए सर और कॉन्टेक्ट नंबर बताइए सर। देखिए, हमारी वेबसाइट का नाम है www.sanisaevent.in, ये हमारी कंपनी का वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं, और उस कंपनी के अंदर ईमेल आईडी हो, उसमें मोबाइल नंबर है, आप चेक करिए और हमें संपर्क कर सकते हैं। सर, भोजपुरी का मार्केट बहुत बड़ा है, गुजरात भी मार्केट है, मुंबई भी मार्केट है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यूपी है, तो ये सारे जगह आप इस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराएंगे भोजपुरी कलाकारों की? देखिए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार के रिक्वायरमेंट वो बढ़ गई है। आज देखिए, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर, तो हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार एक है, बट बाहर देखिए सुरनाम है, मॉरिशस है, दुबई है, आजकल UK है, US है, काफ़ी जगह पे, आज फिजी आइलैंड है, तो काफ़ी जगह पे भोजपुरी कलाकारों की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, हमें फ़ोन आने लग गए अभी, तो हमने सोचा कि एक ही जगह पे ये सारे कलाकारों को हम अरेंज करके दे सकते हैं, और हम तो चाहते हैं कि जो कलाकार हैं वो भी हमारी कंपनी से जुड़ सकते हैं। सर, जो कलाकार, जो भी व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब आपकी ब्रांचेस जो है मुंबई के अलावा और जैसे नॉर्थ साइड भी फैली हुई है? नहीं, आज क्या जो है ना, मुंबई मेन है, मुंबई से ही सारी चीज़ें होती है, तो मुंबई में हमारी ऑफिस है, मुंबई में सारी चीज़ें, बाकी वेबसाइट आप सर्च कर दीजिए, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट चलती है, उसमें जाएंगे तो एक टफ्ट हो जाता है कि हाँ, इस कंपनी से आपको कभी धोखा नहीं हो सकता है। नहीं तो आज देखिए कहाँ, काफ़ी जगह पे पोस्टर लग जाते हैं, आर्टिस्ट को पता नहीं होता है कि हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, पता चला बाद में चीट हो जाता है। सर, चीट की बात कर आ रही है, बात आ रही है, जब तो आप भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं तो दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि बेसिकली वो आप पे ट्रस्ट करें, तो आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या कितने सालों से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, आज हम बॉलीवुड के अंदर काफ़ी सालों से है, 1987 से है, और हमने काफ़ी बॉलीवुड के एक्टर के साथ काम किया हुआ है, जिसमें इरफान खान जी है, जिसमें काफ़ी पुराने एक्टर्स भी है, दिव्या दत्ता है, ईशा कोप्पिकर, समीरा रेड्डी, पूजा बत्रा,
और अभी भी हम जुड़े हुए हैं तुषार कपूर, रोनित रॉय, राजेश शर्मा, आर्य बब्बर, मिलिंद गुराजी जी, तो काफ़ी बॉलीवुड के साथ भी आज भी हम जुड़े हुए हैं। और भोजपुरी के जो हमारे सबके प्यारे जो निर्वा जी, दिनहर यादव और अम्रपाली दुबे, उनका भी आज हम मैनेजर हैं। तो हमने सोचा इतने सभी के साथ हम जुड़े हुए, तो एक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक ऐसी कंपनी भी होनी चाहिए जिससे हर कलाकार वहाँ मिले भी और कंपनी के माध्यम से लोग और वहाँ तक अप्रोच हो पाए। इसका मतलब सर ये है कि आपने इंडस्ट्री को बहुत साल दिए हैं, ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो मांग कर रहे हैं लोग वो आप पे ट्रस्ट करें। जरूर, क्योंकि इतने साल का अनुभव और इतने लोगों से प्यार, सर सबसे बड़ा चीज ट्रस्ट ही होता है सर। और इंडस्ट्री के इतने साल देना, वो सबसे बड़े आपका एक प्यार, नहीं तो क्या है सर। आप कुछ दर्शकों को बोलना चाहेंगे, जो आपकी वेबसाइट तो वर्ल्ड वाइड दिखेगी, हाँ। और मांग भोजपुरी की जो है वर्ल्ड से भी है, आप जैसे बता रहे हैं, हाँ। और नॉर्थ से भी है, और यहाँ गुजरात साइड से भी बहुत सारी मांग आती है, तो आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो दर्शकों को दीजिए। देखिए, हम यही चाहेंगे कि आप किसी भी कलाकार की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें अप्रोच करिएगा, हम जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी हम वो पूरी करेंगे, ताकि एक रिश्ता बना रहे। शुक्रिया सर, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसी के टॉपिक पे ये कर लिए।